बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SPS Study Point पर। मैं सोनू आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की ये वीडियो है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो अपने पेपर पैटर्न को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हमारा एग्ज़ाम किस पैटर्न पर आयोजित होगा, यानी हमारे एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सबका काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पे कमेंट आ रहा था कि सर में बता दीजिए कि किस पैटर्न पर होगा, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप सभी के कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर सकूँ। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज की ये वीडियो है, जिसमें मैं सभी विश्वविद्यालय के या सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर पैटर्न को बताने वाला हूँ। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हों, आप सबके लिए ये वीडियो है, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के पेपर पैटर्न को मैं यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके मन में जो क्वेश्चन होता है कि हमारा एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा, यानी हमारी जो परीक्षा है वो किस पैटर्न पर होगी। क्या हमारे एग्ज़ाम में OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे या फिर रिटर्न प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो ये कन्फ्यूज़न होती है। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होती है वो BSc सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए होती है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षा जो दी है वो लिखित में दी है और कुछ विश्वविद्यालय ने ऑब्जेक्टिव करवाई है। तो अब आपके मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि अब हो सकता है सेकंड सेमेस्टर में भी हमारा सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम हो, या हो सकता है बदल जाए, लिखित अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो हो सकता है लिखित हो जाए। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको मैं यहाँ पर दूर करने का प्रयास करूँगा। देखिए, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इन तीनों के पैटर्न को मैं बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि नई शिक्षा नीति के आधार पर जो ये पेपर पैटर्न है ये क्या है और कैसे लागू होता है सभी विश्वविद्यालय पर। देखिए, जो NEP लागू हुई थी दोस्तों, NEP के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय में सिलेबस तो सबका सेम कर दिया गया, लेकिन पेपर पैटर्न क्या है यूनिवर्सिटी पर डिपेंड हो गया कि वो यूनिवर्सिटी अपना पेपर पैटर्न यानी पेपर चाहे तो ऑब्जेक्टिव करवाए चाहे तो लिखित करवाए। अब इनमें कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो केवल क्या कराती हैं, MCQ एग्ज़ाम करवाती, केवल और केवल MCQ करवाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो केवल और केवल लिखित पैटर्न पर अपना एग्ज़ाम करवाती हैं, और इनमें कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं तो दोनों मोड में OMR और रिटर्न, इन दोनों मोड में अपना परीक्षा करवाती हैं। तो इनको हम समझते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पे होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं BSc सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का पेपर पैटर्न। तो ये पहली बात तो आप नोट कर लीजिए, ये डिपेंड है किस पर, ये डिपेंड है आपकी यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी पर ये डिपेंड है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस पेपर पैटर्न पर कराएगी। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये हो गया कि कुछ विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और रिटर्न दोनों होते हैं, तो ये किस प्रकार की यूनिवर्सिटी करवाती है, तो इसका नवीन मैं नाम बताऊंगा। देखिए, इसका पैटर्न क्या है कि कुछ विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम ऑड और इवन सेमेस्टर के आधार पर होते हैं। ऑड और इवन, ऑड मतलब हो गया फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, इवन मतलब हो गया सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। कुछ विश्वविद्यालय ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखित करवाती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम यानी फोर्थ सेकेंड फोर्थ और सिक्स ऑब्जेक्टिव करवाती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर ये होता है? तो पहले बात, अगर आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से हैं, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अगर आप छात्र छात्राएँ हैं, या फिर MJPRU यूनिवर्सिटी बरेली के आप हैं, बरेली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो परीक्षा है वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स की ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव क्योंकि ये सम सेमेस्टर है, तो सम सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम जो होता है वो किस पैटर्न पर होता है, OMR बेस पर होता है। तो ये पहला कन्फ्यूज़न दूर हो गया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय और बरेली विश्वविद्यालय, यहाँ पर क्या है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर OMR पर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर ये आपके रिटर्न होंगे। तो ये पहला कन्फ्यूजन। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पेपर होगा, केवल और केवल MCQ ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनमें आपकी पहली यूनिवर्सिटी सम्मिलित है, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन सा? अलीगढ़।
अलीगढ़ विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, दूसरा हो गया DDU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तीसरा आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, चौथा आ गया माँ शुकाम्बरी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है, तो इतना ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अब बात कर लेते हैं कहाँ पर लिखित परीक्षा होंगी, लिखित पैटर्न पर कहाँ पर परीक्षा होगी। तो सबसे पहले अगर आप अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर हमेशा लिखित पैटर्न पर एग्जाम होता है। दूसरा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ भी आपकी परीक्षा क्या होगी, लिखित पैटर्न के आधार पर होगी। साथ ही साथ अगर आप वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के हैं, जौनपुर से हैं, तब भी आपकी परीक्षा लिखित पैटर्न पर होगी। आजमगढ़ विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित होगी, चंद्रशेखर जननायक बलिया विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी आपका पेपर लिखित ही कराया जाएगा, ठीक है। और जो हमारे दोस्त हैं बनारस विश्वविद्यालय के, तो यहाँ पर भी परीक्षा रिटर्न मोड में ही कराई जाएगी। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराई जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पेपर पैटर्न को मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होने हैं वो किस पैटर्न पर होने हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होने हैं, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के। तो आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कीजिए। और लिखित पैटर्न पर जिनका एग्ज़ाम होगा उनके लिए लिखित पैटर्न पर भी तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जाती है, ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर और भी किसी को पेपर पैटर्न से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अपने विश्वविद्यालय का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम किस पैटर्न पर आयोजित होगा, ओके। तो इस जानकारी से मुझे आशा है कि आप सब सहमत हुए होंगे। फिलहाल मैं एक नज़र में सरसरी नगर से एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा, फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो लगभग लगभग यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होना है, और जिनको कन्फ्यूज़न है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पेपर पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड होता है, और क्यों डिपेंड होता है, वो आप जब आगे फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे जो बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं सेकंड सेमेस्टर में, उनको होता है। तो आप अगर जो फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, इनको तो क्लियर है लगभग, क्योंकि इन्होंने आगे एग्ज़ाम दिया तो उसी पैटर्न पर इनका एग्ज़ाम भी रहेगा, ठीक है। तो कोई कमेंट, आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके पेपर पैटर्न को बताने का प्रयास करूंगा, ओके। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे द्वारा दी जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।